बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सब के बच्चों को सेहत, ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे। अल्लाह पाक दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सब के बच्चों के मुकद्दर नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दे, जो मरीज़ है उनको शिफा दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे रही होगी। रात को बस ऑरेंज जूस पिया, गला ख़राब हुआ, साथ बुखार भी हो गया मुझे, अभी बुखार चढ़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती थी, ये जो कुरान का भी जो अभी आप देखेंगे, इनके इन्होंने अकेडमी खोली है, जो कोई भी फीसबल इलाइन इनकी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसमें हिस्सा ज़रूर डालें। और जो कोई कुरान सीखना चाहता है प्लीज़ आप इनसे कुरान सीखें। ये मेरा फ़र्ज़ था कि ये मैं मैसेज आप सब तक पहुँचाऊँ, और मैं और आप सब मिलकर जो है कुरान उनसे सीख सकते हैं, ऐसे उनकी हेल्प भी हो जाएगी और उनकी रोज़गार का सिस्टम भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह को ये पढ़े अल्लाहुम्मा बिक अस्बहना वबिक अमसैना वबिक नहया वबिक नमूतु वइलैकल मसीर। सूरज निकले तो ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकालना यौमना हादा वलम युहलिकना बिदुनूबिना। शाम को ये पढ़े अल्लाहुम्मा बिक अमसैना वबिक अस्बहना वबिक नहया वबिक नमूतु वइलैकन्नुशूर। सुबह और शाम की एक खास दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यगुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। ये भी मैंने प्लास्टिक शीट्स बिछाई हैं कारपेट धोने के लिए। आई डोंट नो ये काम करेंगी या नहीं करेंगी, जैसा मेरे दिमाग में ने काम किया वैसे ही मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। और आई डोंट नो, कारपेट मुझे बहुत गंदी लग रही है, अभी पिछले साल ही ली है, लेकिन दिल कर रहा है कि उसको वॉश करूँ। अभी पीछे ही वॉश की थी लेकिन कुछ मिस्टेक की वजह से सही क्लीन नहीं हो सकी। तो अभी आज मैं सोच रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है तो कारपेट को जो है तो वॉश कर दो। आई डोंट नो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मुझे दिल करता है कि चीज़ साफ साफ हो, धोना शुरू कर देती हूँ। और मोहम्मद आदम सुबह से रेस्ट कर रहा है, सुबह नॉन स्टॉप मैंने हिलने नहीं दे रही, मैं पूरा एक वीक हो गया। और इवन ये भी कह रही हूँ कि वो नीचे नहीं आना, खाना भी मैं मोहम्मद आदम के ऊपर देती हूँ, लेकिन पता चला कि कारपेट मम्मी साफ़ करी है तो ये नीचे आ गया है मेरा बेटा। मोहम्मद आदम जी, आज डैडी ने आपकी अपॉइंटमेंट बनाई है डॉक्टर की, इसके पाँव में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, आज 2 वीक्स हो गए हैं और वर्स हो गया पेन। मोहम्मद आदम यू गो इनसाइड प्लीज बेटा प्लीज। नो। बच्चे इन चीज़ों को देख के खुश होते हैं, क्या करें। वो मेरी बेटी को देखें ज़रा, इसके तो मैं रबड़ बैंड बाल बांध बांध के थक गई हूँ। ये आई डोंट नो, जी कम। मोहम्मद आदम जी, इसके ऊपर मशीन मारनी पड़ेगी। Yes. सारा कैमरा गीला कर दिया मेरा, खून गीला कर दिया मोहम्मद आदम। जाओ
Khadija, go under it. Go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. It's cold? Go, beta ji. Isko rubber band bandh lo main pehle. Khadija ji. खदीजा के ऊपर थोड़ा सा पानी जरा मोहम्मद आदम डालो जरा देखते हैं क्या करती है थोड़ा सा ऊपर कूल कूल खदीजा जी मोहम्मद आदम जी प्लीज गो इनसाइड यू गो इनसाइड मैं वर्क हार्ड नहीं करूंगी डोंट वरी स्टैंडिंग ही तो ठीक नहीं है ना फीट के लिए sit down and watch. ठीक है? Sit down. मैं extension lead लेके आती हूँ. I want to sit with it. मैं extension lead लेके आती हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है. इतनी गर्मी है दो दिनों से मैं आपको क्या बताऊँ कि सही पाकिस्तान वाली गर्मी है. उस्मान को तो खैर गर्मी पसंद है लेकिन मुझसे गर्मी. खदीजा जी प्लीज. क्या हुआ खदीजा जी खदीजा बेटा जी प्लीज क्या हो गया we bought 70 कितनी 73 water bottles 2 liter ones कौन लेके आया me and dad oh my god Shouting for nothing. Go, daddy आ रहे हैं ना? Daddy के लिए जाओ. Help dad. क्या है उस्मान जी? माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पानी की बोतलें उस्मान? अल्लाहुम्मा बारिक. कुछ ज़्यादा नहीं ले आए पानी की बोतलें? क्या हो गया था? मैं कारपेट धो रही हूँ. बाहर रख के हाँ क्योंकि मुझे बहुत गंदी लग रही थी मैंने कहा कि मैं धो लूँ बेहतर है हैं कारपेट वही रेड कारपेट रेड रग आवाज़ आ रही है यहाँ पे मोहम्मद आदम के पाँव में दर्द है और ही इज़ नॉट लिसनिंग कुछ कर तो नहीं रहा लेकिन जो है कारपेट के ऊपर खड़ा हुआ है अच्छा पानी की बोतलें अभी सारी तो अंदर नहीं जाएंगी ना जस्ट नहीं अहमद अहमद यहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं ना बेटा जी बच्चे जो है ना बस खदीजा जी बस मोहम्मद आदम जी मूव बैक बच्चे नहीं खदीजा जी अभी सर्फ डाला है और जो है थोड़ी सी देर इंतज़ार करूँगी पानी डालूँगी इसके ऊपर और फिर मशीन लगानी पड़ेगी लास्ट टाइम मैंने यही मिस्टेक की थी कि धो तो दिया था मैंने कारपेट को लेकिन मशीन ना मारने की वजह से जो डस्ट थी उसकी वो अंदर ही रही और जिसकी वजह से मुझे गंदी लग रही थी कि जैसे साफ़ नहीं हुई तो अभी मशीन मारूंगी तो इंशाल्लाह सही कलर इसका आएगा अपना मोहम्मद आदम जी बच्चे देखें कारपेट धोते 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 अच्छा हम लोग मैं और मोहम्मद आदम लगे हुए थे कारपेट के साथ तो कोई शोर नहीं था जैसे ही ये अहमद आया ना तो आते साथ ही कहता है मुझे गीला करो Thank
खदीजा गीली ना हो है, अच्छा मैं बता रही हूँ ठीक है। अहमद देखे मस्ती आई हुई है अहमद को पीछे। अच्छा हम लोग अहमद अहमद हम लोग कारपेट साफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मोहम्मद आदम यहाँ पे अहमद मशीन मारनी पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा मैं देखो अहमद लेट हिम टू डू इट। अहमद करने दो से अहमद अहमद मोहम्मद आदम जी वैसे करना भी नहीं चाहिए बेटा जी। यू अंदर जाओ प्लीज। खदीजा जी पीछे हो जाओ डेंजरस डेंजरस। अहमद मोहम्मद आदम शर्ट उसकी पकड़ो नहीं उसको शर्ट नहीं पकड़ो। मोहम्मद आदम और अहमद और खदीजा ने बहुत इंजॉय किया पानी में और बच्चे तो यही चाहते हैं कि हम लोग गीले हों इंजॉय कर। और लेकिन मेरी थकावट की वजह से जो है तो आवाज़ भी आप मेरी सुन रहे होंगे कि थकावट की वजह से बुखार हो गया है और गला अंदर से ख़राब है। लेकिन जो है काम तो ऑफ कोर्स सफाई तो मुझे ही करनी थी, सामान तो बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगा सकते। और बच्चों को इतनी सच्ची जो बात है कहाँ पे समझ आए, वो तो बस जोक अराउंड और मस्ती कर रहे थे और खुश हो रहे थे पानी में। और मैंने फिर ये कारपेट साफ की, शायद इस वजह से जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि है तो काफ़ी जो है हार्ड जॉब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए तबीयत ख़राब होती है तो ठीक हो जाता है। कहते हैं कि बीमार भी होना चाहिए, ये भी एक अच्छा होता है। और खदीजा देखे ज़रा अपना बचपन याद आ रहा है मुझे इसको देख के। खदीजा को जब सर्दी लगती थी तो ऐसे लग खड़े हो जाते थे हम लोग, तो खदीजा भी बिल्कुल ऐसे ही उसको खड़ा देख के ना तो मुझे याद आ रहा था अपना टाइम, क्योंकि अभी इसको लग नहीं सर्दी खदीजा को। अहमद एक्चुअली डैड के साथ गया हुआ था शॉपिंग पे, तो देख लें इसकी ये हालत है अभी कि बस उछल कूद रहा है। लेकिन काफ़ी हेल्थी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज़ के कारपेट साफ़ हो जाए। और बच्चे जो है हेल्प तो करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आदम तो नहीं करवा सकते उस पाँव की वजह से, वो बस पानी डाल रहा था। और अहमद ने मारी है मशीन, लेकिन ज़्यादातर मुझे ही मारनी पड़ी है। ऑफकोर्स बच्चे हैं, बच्चे कहाँ पे इतना ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान अभी आए हैं शॉपिंग करके, और उस्मान ने लास्ट टाइम विंडो पे खड़े होके मेरे ऊपर पानी गिराया था, और मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था, आपने शायद देखा हो। वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि सर्दी थी, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम अच्छा है। क्योंकि जब उस्मान ने मुझे गीला किया था तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। ठाने खदीजा के मोहम्मद अहमद चलो बस बस इनफ नाउ कि उस्मान जी टायर्ड हुए हैं, इतनी सारी पानी की बोतलें। अहमद ज़रा मुझे पानी देना, ज़रा पानी देना ज़रा मुझे। अह खदीजा आ गई। अच्छा दो मोहम्मद आदम जी प्लीज गिव मी इन माय हैंड। स्टॉप इट दैट्स सो क्यूट। आई नहीं मोहम्मद आदम पे नहीं गिराना पानी, आई एम सो सॉरी बच्चे, आई एम सो सॉरी बेटा जी। ओ गलती हो गई, फिर गलती हो गई। आई एम सो गो इनसाइड बच्चे।
cake. Oh. ये वही बदला है। I told you कि मैं एक दिन बदला उतारूंगी। बताया था ना बदला उतारूंगी। मेरे सब्सक्राइबर मुझे मार देंगे। उस्मान को गीला कर दिया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? Why are you laughing? I'm holding a camera. पानी गिराया था मैंने बोला था मैं बदला लूंगी याद है ना अब क्या बोला अभी भी कह रहे हैं डैडी डैडी क्या कह रहे हैं कि मैं फिर भी जॉब करूंगा फिर नहीं करूंगा बस अभी होगी कारपेट बाकी से बात आप करेंगे ठीक है सॉरी उस्मान जी बस 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 वो मशीन खराब हो गई होगी उस्मान जी उस्मान के कपड़े से होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और प्लीज़ मेरे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे आमीन सुमा आमीन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़